दोस्तों आज आईपीएल का सातवां मैच दुबई में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के श्रेयस अय्यर के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। एक तरफ जहां चेन्नई की अनुभव खिलाड़ी थे तो दूसरी तरफ दिल्ली के युवा जोश, और दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। एक बार फिर इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। धोनी ने कहा इस मैदान में ओस का बड़ा रोल होगा, यही देखते हुए पहले फील्डिंग का फैसला किया। तो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी पहले मैच में शानदार जीत के साथ इस मैच में बड़े ही जोश के साथ बैटिंग करने आए। एक तरफ अनुभवी गब्बर शिखर धवन थे तो दूसरी छोर युवा खिलाड़ी पृथ्वी शाह दिल्ली की पारी की शुरुआत करने आए थे। तो पहले ओवर से ही पृथ्वी शाह ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दीपक चाहर की तीसरी और चौथी गेंद पर पृथ्वी शाह ने लगातार दो चौके लगाए। पहले ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने 9 रन जोड़कर पारी की शानदार आगाज की, लेकिन धोनी के तुरुफ के इक्का जोश हेजलवुड, जिसे धोनी के कहने पर चेन्नई ने खरीदा था, उन्होंने जोश और अनुभव दोनों की ही लगाम लगा दी और बड़े ही किफायती बॉलिंग करते हुए दो ओवर में केवल 7 ही रन दिए, जिससे दिल्ली का रन रेट कम हो गया और पावर प्ले में 6 ओवर की समाप्ति पर केवल 36 रन ही दोनों बल्लेबाज बना पाए। लेकिन इसके बाद जैसे ही धोनी ने स्पिनर लगाए तो ये दोनों बल्लेबाज टूट पड़े। एक छोर पर पीयूष चावला की खबर ले रहे थे तो दूसरी छोर से रविंद्र जडेजा को भी नहीं बकस रहे थे। पृथ्वी शाह और धवन चेन्नई की हर गेंदबाज की जमकर खबर ले रहे थे, खासकर पृथ्वी शाह तो आज अलग ही लय में नजर आ रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज चेन्नई के गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे और धोनी की चिंता बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी शिखर धवन अपनी लय से भटक गए और 35 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन पृथ्वी शाह दबाव में नहीं आए और अपनी धुआंधार बैटिंग जारी रखी। हालांकि पृथ्वी शाह बड़े शॉट खेलने के लिए क्रीज से बाहर चले गए, लेकिन तेज तर्रार धोनी ने तुरंत गिल्लियां उड़ा दी और 64 रन बनाकर आउट हो गए। इसके साथ ही चेन्नई ने मैच में वापसी कर ली, लेकिन अंत में ऋषभ पंत और कप्तान श्रेयस अय्यर ने संभल कर खेलते हुए दिल्ली की पारी को 175 रन तक पहुंचा दिया। पंत ने जहां 25 गेंदों में 37 रन बनाए तो अय्यर ने 22 गेंदों में 26 रन बनाकर अपनी टीम को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचा दिया। अब चेन्नई को जीत के लिए चाहिए थे 176 रन, जो वाटसन, डुप्लेसी और धोनी के रहते कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन दिल्ली की तरफ भी थे खतरनाक गेंदबाज कगिसो रबाडा, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। तो लक्ष्य का पीछा करने आए मुरली विजय और शेन वाटसन। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करी कगिसो रबाडा ने और शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए पहले ओवर में केवल 2 ही रन दे दिए। तो दूसरी छोर से कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे ही ओवर से स्पिन लगा दी और अक्षर पटेल को बॉलिंग पर लगा दिया और दोनों ही गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और चेन्नई के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। ऐसे में दोनों बल्लेबाजों पर रन बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन दबाव में चेन्नई के बल्लेबाज ढेर हो गए, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दोनों ओपनर 66 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। जहां मुरली विजय ने 15 गेंद खेलकर 10 रन बनाए तो वाटसन भी दिल्ली के गेंदबाजों के आगे बेबस नजर आ रहे थे और वे भी 16 गेंदों में 14 रन ही बना पाए और 44 रन पर ही 3 विकेट गिराकर दिल्ली ने चेन्नई की कमर तोड़ दी। हालांकि धोनी और फॉफ डुप्लेसी ने दिल्ली के गेंदबाजों से थोड़ी लड़ाई जरूर की, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर की शानदार कप्तानी और दिल्ली के गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के आगे वे भी घुटने टेक दिए और पूरी टीम 20 ओवर में 131 रन ही बना पाई और 44 रनों से दिल्ली के युवा लड़के ये मैच जीत गए। चेन्नई की तरफ से फॉफ डुप्लेसी ने सबसे ज्यादा 35 गेंदों में 43 रन बनाए तो दूसरे नंबर पर धोनी रहे, जिन्होंने 26 रन बनाए। दोस्तों धोनी की खराब रणनीति और खराब बल्लेबाजी की वजह से चेन्नई को हार मिली। वैसे इस मैच में चेन्नई को अंबाती रायडू की कमी काफी खली, जिन्होंने पहले मैच में मुंबई के खिलाफ हारे हुए मैच को जिताया था, तो वहीं सुरेश रैना की कमी भी अब चेन्नई की बल्लेबाजी में साफ नजर आ रहा है। अगर रैना होते तो ये बल्लेबाजी क्रम और ज्यादा मजबूत हो जाता। रैना की जगह खेल रहे ऋतुराज गायकवाड़ लगातार दोनों मैच में फ्लॉप रहे, जिससे चेन्नई को हार का सामना करना पड़ रहा है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रैना और रायडू के रहने से चेन्नई की टीम इस मैच को जीत जाती? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।